अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हेयर आई एम विद जहान लॉग्स। आज मैं एक रिव्यू लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको टाइटल से मालूम पड़ ही चुका होगा, ये एक मोटरसाइकिल हेलमेट मैश कैप है। इसको समर मैश कैप भी कहते हैं, लेकिन ये ऑल सीजनल मैश कैप है जो कि आपके अंडर द हेलमेट पहनी जाती है। ये मैश मटेरियल होता है जो कि आपका स्वेट प्रूफ, स्वेट सोक करता है, ठीक है। इसके अलावा इसके बीच में जो है नायलॉन मटेरियल है, ठीक है। ये काफ़ी स्ट्रेचेबल विथ पोर्स मटेरियल, जिससे जो है ना आपकी स्कार्फ जो है उस तक जो एयर वेंट्स बने हुए हैं ना, वो हवा पहुंचती रहती है। बेसिकली हेलमेट के अंडर जो है आपके जो बाल, आपकी जो स्कार्फ है, वो काफ़ी देर तक पहने रहने के बाद हेलमेट जो है एक तो पसीना आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको इचिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद मोस्टली जिनके बाल बड़े होते हैं उनके बाल सेट नहीं रहते, वो रूखे हो जाते हैं हेलमेट काफ़ी देर पहनने के बाद। ये जो मटेरियल है, आप 4 से 5 घंटे राइड करना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़, आपको जो स्वेट है वो ये प्रूफ जो है सोक कर लेगा, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो स्काल्प है उस पर जो इचिंग का इशू है वो नहीं होता। फिर आपके बाल जो है वो सेट ही रहते हैं। हेलमेट जो जिनके टाइट हैं या अच्छे ब्रांड के हेलमेट हैं, वो जो उतारते हैं या पहनते वक्त बाल जो है बिल्कुल रूखे हो जाते हैं, बिल्कुल आपके ऐसे लगते हैं जैसे जंगली, ठीक है, लुक्स आती हैं। ये जो है उस चीज़ को जो है ना उसको भी थोड़ा सा टैकल करने में मदद देता है, थोड़ा सा 90% जो है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी में जैसा कि आपको पता है आप राइड कर रहे हैं धूप में और आप हेलमेट यूज़ करते हैं, हेलमेट के अंदर भी, और आप जो है इसको पानी में एक दो दफ़ा डिप करके और बहुत जल्दी इसमें वाटर जो है अब्सॉर्ब हो जाता है, बेसिकली आप इसको निचोड़ कर इसको जो है सर पर पहन सकते हैं, बेसिकली बहुत गर्मी में, जैसे कि जून जुलाई अगस्त का महीना है, ठीक है जी। सो इसकी ये कुछ चीदा चीदा जो है मैंने आपको बताई हैं खसूसियात, ठीक है जी। अब मैं इसका आपको एक रिव्यू दूंगा कि हेलमेट के अंडर कितने ईजीली ये पहना जाता है और कितनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, ठीक है जी। इसी के साथ आप देखें अब वो छोटा सा मेरा एक रिव्यू। हेलमेट मैश कैप को किस तरह पहनते हैं, बहुत इजी तरीके है, स्ट्रेच करें, ठीक है जी। स्ट्रेच करके तो बड़े आराम से आपने यूं करके पहन लेना, ठीक है जी। ये आपने पहन लिया, अब हेलमेट इसके ऊपर किस तरीके से आपको पहनना है, बहुत इजी थी। हेलमेट टक टू योर हेड लाइक दिस, जैसा कि आप यहाँ से पीछे से देख सकते हैं, और बैक साइड भी ठीक है, और यहाँ पे देखिए, सही है जी। अब सबसे बड़ा फ़ायदा इसका, जो हेलमेट है ना वो बिल्कुल सही जगह पे बैठेगा, कोई आपके जो ईयर्स हैं या बाल जो है बीच में फंसेंगे नहीं, बिल्कुल क्लियरली। अच्छा, अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि अभी मैं इसको हेलमेट को उतारूंगा, बहुत इजी है। आप इस साइड से या फ्रंट से, मैं इस साइड से अगर शो कराऊँ तो बिल्कुल इजीली, और दैट्स इट। सो गाइस दैट्स ऑल।